अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया और इस वक्त हम बैठे हुए हैं टू हैंड्स किचन जो है मौसमियात पर अलजदीद सुपर स्टोर के ऑपोजिट, और मेरे साथ हैं सना तनवीर और उनके बेटे राहिम। ये हमारी स्पेशल वीडियो है विमेंस डे के लिए। हम कुछ उन खवातीन से बात कर रहे हैं जिन्होंने शायद कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं क्रिएट किया है, लेकिन उनकी हर रोज़ की जो ज़िंदगी है उसमें वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन होने का हमें सबूत देती हैं और दिखाती हैं कि कैसे शी इज़ गोइंग ऑन इन हर लाइफ। तो हमें सना तनवीर आज हमारे साथ हैं और ये इस जगह पे एक छोटा सा स्टॉल लगाती हैं और यहाँ पे बारबेक्यू सिंगापुर चिकन जी सिंगापुरियन राइस बारबेक्यू सिंगापुरियन राइस सिंगापुरियन राइस इस स्टॉल पे इनके ये सब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं नाम क्यों ये चूज़ किया? टू हैंड्स किचन इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि मेरे ही दो हाथ हैं, इसीलिए यहाँ पर मेरे बच्चों ने मुझे मोटिवेट करके टू हैंड्स किचन नाम रखा है। बेसिकली मेरी बड़ी बेटी ने जो है वो नाम सजेस्ट किया है क्योंकि मैं एज अ वुमन शेफ भी हूँ और अच्छी एक इनके लिए हो सकता है इनके हिसाब से मदर भी बहुत अच्छी हूँ मैं। उसे कह रही है आप ही के दो हाथ हैं हमें आगे ले जाने के लिए भी और हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाने के लिए। आप पढ़ी लिखी हैं, आपने क्या किया हुआ है? मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से। ओके। और फिर उसके बाद मैंने सारे कोर्सेज किए हैं बट कुकिंग बेकिंग और स्टिचिंग की मैंने कभी कोर्स नहीं किया। तो कौन से कोर्सेज किए हैं आपने? मैंने पॉट पेंटिंग किया है, ड्राई अरेंजमेंट्स किए हैं। बेसिकली मुझे क्रोशिया का बहुत शौक था, क्रेज था, तो बस। लेकिन कुकिंग से रिलेटेड कुछ नहीं किया? कुकिंग से रिलेटेड मैंने कभी कुछ काम नहीं किया। अच्छा, और ये आपने स्टॉल क्यों क्रिएट किया, ये यहाँ लगाने की क्या वजह थी? देखिए, पहले तो मैंने माशाल्लाह फूड पांडा पे 3 ईयर्स वर्क बहुत अच्छा किया है उनके साथ। माशाल्लाह उन्होंने मुझे बहुत ऑनर भी दिया, बहुत रिस्पेक्ट भी दी है, बट थोड़ा सा परसेंटेज उनके साथ मेरा बन नहीं रहा था। लेकिन ये कहना चाहिए मेरा अपना प्लेटफॉर्म जो था वो स्टार्टिंग फूड पैंडा था। ओके। और अभी मैंने लास्ट ईयर की जो रमज़ान है इसमें बच्चों की मोटिवेशन से, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड का मुझे सपोर्ट है, मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज, उनका मुझे बहुत भरपूर सपोर्ट है। ये नहीं कि मैं एक बेटी हूँ या और मैं बहुत अच्छे घर की भी बेटी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इतनी सॉफ्ट स्पोकन, इतने अच्छे से बात कर रही हैं। हाँ जी, आप माशाल्लाह आइडिया हो गया ना दीदी। तो ये कि माशाल्लाह उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया, मेरी अम्मी हैं, अबू नहीं है मेरे हयात, मैं चाहती वो भी मुझे देखते आज कि मैं बहुत अच्छे मुकाम पर बैठी हूँ जबकि मेरा कुकिंग से कोई वास्ता नहीं है। बट सना, ये मुश्किल नहीं है इस तरह मेन रोड पर स्टॉल लगा के बैठना और चीज़ें बेचना? नहीं, मुश्किल घड़ी सबने करी, मुश्किल घड़ी तो जो है ना वो मुझे रमज़ान में हुई थी, बट यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है, कभी कोई नेगेटिविटी कमेंट्स पास नहीं किए उन्होंने, मुझे हमेशा मुझे मोटिवेट और हमेशा इंकरेज किया है। आज भी मेरे वही कस्टमर्स हैं जो मेरे फूड पैंडा पे थे, मुझे देख के आते हैं यहाँ, और क्योंकि बेसिकली मेरा सिंगापुरियन राइस बहुत फेमस है, इसी वजह से हम यहाँ पर भी आए हैं अपनी राइस। ऐसे हमारे आइटम्स तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं, इवन हमने अभी शवरमा भी स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ जगह कंजस्टेड होने की वजह से मैंने अभी इसको थोड़ा सा लेट डाउन किया है। अभी इवेंट हम अपना एक्सपो में बहुत अच्छा कर आए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी वहाँ से अपनी बहुत फीडबैक अच्छा मिला और अच्छी अपनी इनकम भी बहुत अच्छी की हमने वहाँ जा कर के। तो ये कि इंशाल्लाह आगे भी, अभी भी 18 मार्च को हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बहुत कहा है इंशाल्लाह मार्च की, बट बेसिकली मैं अपने बच्चों की एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती क्योंकि एजुकेशन जो है वो फर्स्ट है। जैसे हमें अपने माँ बाप ने दिए तो हम यहाँ बैठे हैं या हम आपसे बात कर रहे हैं, इतने लाइफ बनाया है, मैं चाहती हूँ ये भी अपने फ्यूचर में कुछ करें। क्योंकि इनको इंजीनियर बनना है लेकिन मैंने अभी इन्हें थोड़ा सा स्मॉल शेफ का रुतबा दिया है। राहिम, आपकी क्या एज है, आप कितने बड़े हैं? मैं 14 ईयर्स का हूँ। अच्छा, और किस क्लास में? मैं 7th क्लास में। तो रोज़ आते हैं यहाँ पे? जी। क्या मज़ा आता है यहाँ पे, क्यों आते हैं, थक नहीं जाते स्कूल? नहीं नहीं, तो आदत है कि यहाँ पे काम करने की, घर में बैठे बैठे बोर। रेसिपी सीख ली है जो अम्मी की रेसिपी, वो आ गई आपको? जी जी, मुझे सारा बनाना जी। वैसे हमने अभी देखा था राहिम को एक्शन में, राहिम बड़े एक्सपर्ट तरीके से फैंग मैन में चिकन भी डाल रहे थे, सॉसेस भी डाल रहे थे। बट सना, मुझे एक बात बताएं कि माशाल्लाह से एक तो मुझे एक बड़ा अच्छी बात लग रही है कि आप इतनी एजुकेटेड हैं और आप यहाँ बैठ के ये कर रही हैं, विच गिव्स होप कि डजेंट मेक अ डिफरेंस कि आप किस बैकग्राउंड से आएँ, लेकिन अगर आपको कुछ करना हो तो आप कहीं भी कर सकते हैं। आप एक्चुअली बहुत सी आई थिंक खवातीन को हिम्मत दे रही हैं। तो चैलेंज क्या था, कोई एक चैलेंज जिसका आप जिक्र कर सकती हैं जो खवातीन आप जैसी हों और सोच रही हों इस तरह करने का, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? कि बेसिकली मुझे ये है कि हर खवातीन, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो,
तो डजंट मैटर कि आप ये काम अपना स्टार्ट लें, क्योंकि देखिए मैं समझती हूँ कि मैं बाहर जा कर के कर सकती थी बहुत सारे डिपार्टमेंट स्टोर्स पे भी, लेकिन ये मेरा अपना ओन बिजनेस है. अब मैं चाहे वो रैंडमली इसको स्टार्ट लूँ, हर ऑल्टरनेट डेज पे भी हम आते हैं तो कोई बिग डील नहीं है. बहुत सारे कस्टमर्स हमें शिकायत भी करते हैं कि आप रोज़ आएँ क्योंकि हम रोज़ खाए वगैरह रह जाते हैं. अच्छा. लेकिन मैंने आपको बताती चली थी कि मेरे बच्चों की एजुकेशन है, फ़र्स्ट मेरी बेटी अभी माशाल्लाह सेकेंड ईयर में है और वो भी इंशाल्लाह वो खातून पाकिस्तान कॉलेज से हैं. तो ये कि देखिए मैं बच्चों पर बर्डन नहीं डालना चाहती, और ये कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इन्हें एक अच्छा ग्रेट फ्यूचर दें, ब्राइट फ्यूचर दें अच्छा इन्हें. और इस वर्क को मैंने अपनी इंडिपेंडेंट अपनी इनकम के लिए किया है, बाकी मुझे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है मेरे हस्बैंड की. तो ये इसका ये जो स्टॉल लगाया है आपने, इसकी वजह फाइनेंसेस को सपोर्ट करना है, या जैसे आपने कहा है कि ये मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन है, मैंने अपने लिए किया है, मेरे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्या आप एक्सप्लोर करना चाह रही हैं, आप खुद इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं, रीज़न क्या है एग्जैक्ट इसके पीछे? बच्चे हैं और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी इनकम पे बैठे हुए हैं, बट ये कि कुछ इकराजात होते हैं जो कि आप समझते हैं ना, हाइड एंड सीक होते हैं, जैसे मैं मतलब बच्चों को अपने को करती हूँ, लेकिन अपनी ज़रूरत पे भी मुझे अच्छा लगता है. अच्छा, मेरी वालदा हैं वो विडो हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ उन्हें उनके लिए भी मैं सपोर्ट करूँ, कोच उनके लिए भी करूँ. और मेरे फ्यूचर प्लानिंग्स ये है कि यहाँ अदर नहीं, यहाँ पर इंशाल्लाह मुझे थोड़ा सा है कि मैं आउट ऑफ कंट्री भी अपने टेस्ट को ज़रूर ज़रूर वहाँ पर भी करें आप इंशाल्लाह. बाहर मेरा इरादा है आउट ऑफ कंट्री का. वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह. जी जी, अभी मैं जो कि चूँकि मैं अपने आइल्स को भी सर अंजाम दे रही हूँ साथ साथ, का टेस्ट दे रही हैं आप, ओके, उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं आप. प्रिपरेशन मेरी भरपूर है, 10-11 मार्च मेरा पेपर है इंशाल्लाह आइल्स का, और आई होप कि मैं उसको जो है. तो क्या आप कुछ प्लान है कि अब एक रेस्टोरेंट बनेगा, हम टू हैंड्स किचन का एक रेस्टोरेंट देखेंगे, या आप डायरेक्टली बाहर जा रही हैं? नहीं नहीं, यहाँ भी इंशाल्लाह मेरी एक कार्ट रेडी हो रही है रमज़ान में जो कि वो आ रही है यहाँ पर, क्योंकि हम उससे जो है वो और मुझे थोड़ी सी डिफरेंट आइटम्स अपने इंट्रोड्यूस कराने, जैसे मेरे पास्ताज हैं और मेरे शवरमे हैं, क्योंकि शवरमे तो बहुत सारे हैं आपने देखे होंगे, बट हमारा पैन शवरमा है. चलिए, मुझे ये बताएं जो मैं इंटरेस्टेड हूँ, कभी तो कोई मुश्किल हुई होगी, कभी तो कुछ वाकया होगा जिसपे आपने सोचा होगा कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों खड़ी हूँ यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, पहले तो वो मुझे डिटेल मुश्किल बारिशों में हाँ होती हुई और बहुत ज़्यादा हुई, गुस्सा भी बहुत आया, क्योंकि बहुत अभी यहाँ क्या हुआ था, पता है कि ड्रेनेज सिस्टम तो हमारा है ही नहीं, चाहे वो कहीं पर भी हम चले जाएं. और यहाँ तक कि मुझे शेड का बहुत टेंशन हो रहा था, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम था, और आपको पता है हम जस्ट PMT के नीचे ही बैठे हैं और करंट पास होने का बहुत ज़्यादा खतरात थे हमें भी, लेकिन ये कि बहुत परेशानी हुई, लेकिन जब फिर फैमिली सपोर्ट मिल जाता है ना, फिर थोड़ी सी परेशानियों को मैं दूर करती हूँ, लेकिन परेशानी हर चीज़ में है. तो लोगों के हिसाब से आपको कभी किसी ने कोई ऐसा वैसा जुमला नहीं बोला, कभी तंग नहीं किया, कभी कोई मुश्किल नहीं क्रिएट की जो यहाँ पे आसपास लोग गुजर रहे हैं या कुछ? नहीं नहीं, कभी मुश्किलात नहीं करी उन्होंने मेरे लिए, यहाँ तक ये कि मुझे कभी अगर इवन किसी चीज़ की ज़रूरियात महसूस हुई तो ये सारे मेरे अपने हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे ये लोग. और मैं यहाँ पर एक आंटी और एक अम्मी के नाम से मैं वहाँ मौजूद हूँ. तो क्या कहते हैं आपको, कौन सी आंटी, टू हैंड्स किचन आंटी? नहीं, चाइनीज़ वाली आंटी. चाइनीज़ वाली आंटी, ओके ओके. आपने देखा होगा मेरे पैम्फलेट में भी जो है वो चाइनीज़ वाली आंटी जो है मेंशन है, और ये कि यहाँ मुझे अम्मी के नाम से. देखिए अम्मी मैं चाहे छोटे बड़े से कुछ नहीं, रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात है. आपने इतनी अच्छी बात बोली, आई थिंक ये तो इतनी पॉजिटिव बात है कि ये एक जिस जगह ये बैठी हैं, अगर हम आपको सराउंडिंग भी दिखाएं और अगर आज तक इनको कभी किसी ने तंग नहीं किया है, तो दिस गिव्स होप. और ये शो कर रहा है कि हालात अच्छे हैं कराची में, हम ऐसी कराची को बोलते रहते हैं. मुझे ये बताइए, रेसिपी किसकी, आपने खुद यूट्यूब से सीखी, आपके घर की रेसिपी है, कैसे ये बनाई आपने? मैंने खुद से ही सीखी है, ना मैंने कोई कोर्सेज कराए कुकिंग. और ये कि असल में हम लोग मेमन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आपको पता होगा मेमन फैमिलीज में अपनी जब बच्चियों को शादी करते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सिखा के भेजते हैं. तो मैं तो कुछ सी कमी आई थी, मैं पुअर थी, लेकिन जब मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो मेरी अम्मी जो है सल्यूट है, वो मुझे कहती हैं कि आप बहुत अच्छी चीज़ें बना रही हैं, जो कि मैं यहाँ पर देखती हूँ और यूट्यूब पे चैनल्स पे माशाल्लाह से, कि जब तुम्हें एक लहसुन तक नहीं छीलना आ रहा था, और माशाल्लाह आप इतनी पब्लिक को जो है वो मेन आपने देखा है. और सबसे बड़ी बात, लाइफ कुकिंग इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी. हाँ, ये तो सब सामने बतानी थी. अच्छा राहिम, मुझे बताएं आपको मज़ा आता है क्या, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है इसमें से? मेरी फेवरेट डिश सिंगापुरी राइस है. आप क्या, आप सोचते हैं आप भी यही करेंगे, अम्मी की तरह शेफ बनेंगे, क्या करेंगे? नहीं, मेरा आगे की प्लान है कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ओके, ठीक है. अच्छा सना, बस एक दो चीज़ें और मुझे बताइएगा, कोई अच्छे से कोई वाकया, कोई हार्ट फॉर्मिंग इवेंट हुआ होगा, कोई किसी ने आके कुछ ऐसा किया हो जिस पर आपने वाओ
के इतने अच्छे लोग भी हैं। जी जी बिल्कुल, अभी हाल ही में पिछले हफ्ते जो है हम दोनों आए थे, और अच्छा उस वक्त ये था कि बहुत कम रश था, तो मेरा बेटा कहने लगा मम्मा आज मुझे लगा कि थोड़ा सा हमारा डाउन। मैंने कहा बेटा अल्लाह पे भरोसा, हम आए हैं इंशाल्लाह। वैसे मैं जब भी अपना स्टॉक लाती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अपना स्टॉक कंप्लीट करके ही जाती हूँ यहाँ से, लेकिन जब वो स्टॉक था मेरा लास्ट, तो वहाँ से कोई आ रहे थे बेचारे भाई, कह लगे अभी मैं तो जा रहा था बिरयानी लेने, लेकिन बट आपके ऊपर मेरी नज़र पड़ गई कि ये आज ओपन है, तो ये कि आप मुझे बताएंगे कितने बॉक्सेस आप इसमें रेडी कर लेंगे। तो मैंने कहा ऑलमोस्ट 30 तो हो जाएंगे इतने बॉक्सेस में। कह रहे बस ठीक है आप 30 बॉक्सेस अपने मेरे तो माँ जी। वो दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा। फिर इसके बाद हमारा चाउमिन का सिस्टम थोड़ा सा रह गया था, तो एक और भाई आए, उन्होंने हमसे 10 चाउमिन्स दिए। तो जस्ट बस हम आए क्या और 7:30 तकरीबन 7:30 हम यहाँ अराइव हुए और 10:30 हम घर चले। मतलब अल्लाह की रहमत थी जी जी, और बिल्कुल मदद आई आपके लिए। जी जी। मुझे बताएं ये पहले कैसे लगा, ये खरीदा आपने कहीं से फिर ये चीज़ें लेकर आई, ये कैसे था और ये जगह लेने में आसानी थी मुश्किल थी? नहीं, जगह तो इनकी है, लेकिन इनकी क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि मैं शादी करके यहीं आई थी, मैं मुझे इन्होंने बेटी बनाया है और कहा है जब यहाँ जिनकी जगह जी जी जिनकी जगह है ये, और ये है कि जिनका स्टॉल है तो उन्होंने मुझे आगे शाही दरबार है, उन्होंने मुझे अपने स्टॉल, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे स्टॉल दिया कि आप इस पर वर्क करें, क्योंकि इवनली मेरे पास एज एक्स्ट्रा स्टॉल पड़ा हुआ है। अल्लाह पाक जब आपको देगा आप अपना खुद बना लेंगे, लेकिन जब तक आप हमारे स्टॉल पर अपना काम रन कर सकते हैं। चलें शुक्रिया बहुत बहुत, आज आप हमें क्या खिला रही हैं, हमारी टीम ट्राई करेगी जो इनके हाथ का बना हुआ, अभी तक तो हम देख रहे थे और आप जब बना रही थी मेरे मुंह में पानी आ रहा था, मैं कह रही थी मुझे खाना है, बट इनके ऑर्डर्स थे तो अब हमें क्या आप ट्राई करा रही हैं? आपको मैं इंशाल्लाह सिंगापुरियन जो हमारी बेस्ट आइटम है, जो हमारी फेमस है और सिग्नेचर आइटम है, जो कि हमारे साथ इब्राहिम की भी बहुत फरमाइशी पर चलती हैं ये, चलो वो आप ज़रूर टेस्ट करें और आई होप कि वो बहुत ही आपको पसंद आए। आप ख्वातीन को कोई पैगाम देना चाहेंगी जो सोच रही हूँ आपकी तरह? मेरे साथ बहुत सारी ऐसी ख्वातीन हैं कि जौहर में भी हैं जो मुझसे काफ़ी इंस्पायर होकर के लगाया है, जबकि वो बहुत अनमैरिड बच्ची है, मैं उसे भी बहुत इंकरेज करती हूँ। परसों ही गई थी मैं उसके पास, तो ये कि बच्ची है कर रही हैं काम, बिजनेस कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे माँ बाप के पास बेटियाँ ही हैं हमारी, और लेकिन बेटियाँ बेटों के बराबर होती हैं आजकल के दौर में, ये कि नहीं अपने माँ बाप की सपोर्ट करें, और अगर अपने हस्बैंड है तो प्लीज़ अपने हस्बैंड के भी साथ स्टैंड होना चाहिए ना। ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच सना, एंड लेट्स ट्राई योर फूड नाउ। जी बिल्कुल, चलो आप बैठे, चलो आप तो जरूर सर्व करेंगे आप। शुक्रिया। मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है और क्रीमी भी बहुत है। That's true. अच्छा है, इतनी ज़बरदस्ती का अच्छा है। नहीं, it's nice. ज़ेफ़र तुम्हें ये चाइनीज लग रहा है? चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, कोरिया, मलेशिया, सब एक ही है, और क्या फर्क? नहीं जी, नहीं कोई नहीं, बट ये एक्चुअली मज़े का है। अगर आप लोग कभी इस साइड पर आए मौसमियात, अलजदीद सुपर मार्केट के ऑपोजिट, डू गिव इट अ ट्राई, और इनके मेन्यू पे और भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं, और मतलब क्वांटिटी मेरे हिसाब से जितने का है उस हिसाब से क्वांटिटी बहुत अच्छी है, और उस वक्त से हम देख रहे हैं मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत चल रहा है, बहुत से लोग आके बस लेके, और सिर्फ 300 रुपये का है, लेकिन सर्विंग अच्छी है।